नमस्कार, मैं हूँ शशांक और आप देख रहे हैं S24। S24 में आपका बहुत स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं जिन लोगों ने उत्तर दिए थे प्रश्नों के, उन लोगों का भी सम्मान किया गया और रचनाकारों का भी सम्मान किया गया, कहानीकारों का भी सम्मान किया गया। और ये कार्यक्रम जो जिनकी तरफ से किया गया, भव्या पब्लिकेशन, और उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम किया है मानव संग्रहालय में। और हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हेमराज कुर्मी से, जिन्होंने इस भव्य प्रकाशन को एकदम भव्य बना दिया। तो मिलते हैं हम हेमराज कुर्मी से। आपके स्वागत में ये सम्मान दिए गए हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि मैंने साहित्यकारों को सम्मानित नहीं किया है, बल्कि इनको सम्मानित कर हम खुद, भव्य पब्लिकेशन खुद सम्मानित हुआ है। हमारे देश में एक से एक बढ़कर एक साहित्यकार मौजूद हैं और भव्य पब्लिकेशन की यही कोशिश है कि साल दर साल ऐसे साहित्यकारों को चिन्हित कर हम उनका सम्मान आज भी किया है और आने वाले वर्षों में भी करते रहेंगे। भव्य पब्लिकेशन को 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, परंतु अभी कोरोना महामारी की वजह से अभी कहीं पे भी कोई कार्यक्रम नहीं हुए थे। पिछले वर्ष से हमने वार्षिक उत्सव मनाना प्रारंभ किया है और अब इसे साल दर साल मनाते रहेंगे। भव्य पब्लिकेशन द्वारा कितनी पुस्तकें अभी तक पब्लिश हुई? अभी तक हमने 50 से ज़्यादा लेखकों की पुस्तकों को प्रकाशित किया है। और आप पीछे देख रहे होंगे इस पोस्टर पर जिन जिन भी साहित्यकारों की पुस्तक मैंने प्रकाशित किया है, आज भव्य पब्लिकेशन का ट्री यहाँ पर बनाया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। सम्मान अपने आप में खुशी तो देता ही है, साथ ही इस बात की जिम्मेदारी का एहसास भी कराता है कि जो सम्मान हमें मिला है उसको हम बरकरार रखें और जिस क्षेत्र में, चाहे वो समाज हो चाहे लेखन हो, कलम बराबर चलती ही रहनी चाहिए और उसमें समाज केवल स्वांत सुखाए नहीं पर जन हिताय की भी भावना। आप सम्मानित नहीं कर रहे हैं बल्कि पीढ़ी नई पीढ़ियों को आगे बढ़ा रहे हैं। मौका दे। पुष्पा माली है और साहित्य में मैं निरूपा श्री माली के नाम से लिखती हूँ। जी, मेरी पहली पुस्तक निर्झर अंतर मन का, जो कि एक कविता संग्रह है, उसके लिए मुझे ये सम्मान दिया गया है। जो कविता संग्रह जो है उसमें हर एक कविता वही है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी कविताओं का संग्रह बहुत छोटा नहीं है, पुस्तक में तो बहुत कम है, पर कुछ चुनी हुई कविताएं ली और उसको मैंने प्रकाशित कराया पुस्तक में, तो वही है और सारी की सारी मेरे दिल के बहुत करीब है। एक कविता की दो लाइन में आपको, मेरा मन ज्वाला सा जलता है जैसे एक ज्वालामुखी मन में धड़कता है, वर्षों से अंगार लिए परिवर्तन की चाह लिए घूमा ये दर दर भटका है, सुलगता था ये बचपन से अब यौवन रूप में ढलता है, कटु वचन आक्रोश बने भेदभाव से भड़का है, हृदय में इतने शूल लगे कि लहू उबाले भरता है। ये मेरा मन ज्वाला सा जलता है, निर्झर अंतर मन की ये पहली ही कविता है और अभी मेरी पहली ही पुस्तक आई है और दूसरी पुस्तक जो है वो प्रकाश आधीन है, उस पर मैं काम कर रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 10 या 11 साल की रही होंगी, तब मैंने कुछ कविताएं लिखी थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये मेरा एक गुण है और ये शायद आगे जाके मैं इस पे काम करूँगी। पर शादी के बाद क्या हुआ कि कहीं हमारा जो व्यक्तित्व होता है बहुओं का दब जाता है और मैं एक बहुत प्रतिभाशाली लड़की रही हूँ बचपन से, चाहे स्कूल रहे चाहे कॉलेज रहे, हर तरफ मैंने बहुत अच्छा अपना दिया है, परफॉर्मेंस किया है। तो जब वो लड़की बहू बन जाती है और उसकी जो आशाएं होती हैं वो दब जाती हैं, तो वो कविताओं के रूप में उभरती है। बस यही निर्झर अंतर्मन है,
और उसी को मैंने फिर ये नाम दिया है। खुद का कहना चाहूँगी जिनके विचार आत्माएं तब चुकी हैं शादी के बाद। शादी के बाद जो औरतें, मैं जो पता है कि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं पर अपने परिवार की स्थिति या अपनी जिम्मेदारियों के चलते वो घर से बाहर नहीं निकल पाती या कुछ नहीं कर पाती। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपने स्तर पे जो भी कर सकते हैं, सबसे पहले आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे मेरे संग मेरे पति का सपोर्ट था तो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। अगर शायद उनका सपोर्ट नहीं होता ससुराल में तो मैं यहाँ तक नहीं आ पाती। तो आपको आपके जीवन साथी का जो सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपको थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो उनकी मदद से आप जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि है आप उसको थोड़ा सा निखारें, चाहे वो आपका खाना बनाने की कला हो या संगीत की कला हो या आप किसी प्रकार की पेंटिंग करते हो या राइटिंग करते हो, कुछ भी करते हो, तो उनको मतलब उस समाज से बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप अपने कितने जीवन के कितने भी साल दे देंगे ना, आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपने क्या किया है। पर अगर आप यहाँ सम्मान लोगे तो ये समाज को दिखेगा, लोगों को दिखेगा कि हाँ आपने कुछ किया है। मुझे लगता है कि घर में काम करने वाली औरतों की तो मतलब वैल्यू खत्म हो चुकी है समाज में, जबकि वही है जो इस देश के लिए प्रतिभा बनाती हैं। जो बच्चे हैं हम उन पर भी काम करते हैं, उनमें अच्छे संस्कार दें, सारे काम हम लोगों के ही हैं, पर हम लोगों को फिर भी कहीं ना कहीं एक कोने में रख दिया जाता है। इसीलिए मैंने लिखना शुरू किया और फिर अभिषेक भैया जो हैं, अभिषेक लाडगे जी, उनकी मदद से, अभिषेक अज्ञानी जी की मदद से और हेमराज भैया की मदद से, ये तीनों ने मुझे सपोर्ट किया और तो मैं यहाँ आज खड़ी हूँ। इन्होंने ही मुझे पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए कहा, मैंने पुस्तक प्रकाशित कराई और वो चुनी गई सबसे बेस्ट बुक है और मैं यहाँ हूँ आज। और मुझे युवा साहित्यकार का ये पुरस्कार मिला है जिसपे मैं ज़्यादा गार्डनिंग करती हूँ। मतलब मैं भी पर्यावरण के लिए बहुत सजग हूँ और लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वो भी अपने पर्यावरण के लिए सजग हो जाएं, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ सतर्कता का अब समय है, नष्ट होती संपदा कल तू ही पछताएगा यूं हाथ धर बैठा रहा। गंध से सनी ये नदियां सूख से निर्झर कहें, अब भी समय सहेज लो आह्वान तुमसे कर रहे हैं। तो जाग जाइए सभी लोग और सभी लोग पौधे लगाएं, उन्हें वृक्ष बनाएं, यही कहना चाहती हूँ। और जिस तरह से आप पौधे लगा के वृक्ष बना रहे हैं, हर महिला अपने घर से निकले क्योंकि वो भी एक वृक्ष है समाज का, तो उसे भी मजबूत होना है। वो भी किसी को छाया देती है, किसी को फल देती है, तो इसीलिए अपने आप को पहले सबल बनाएं। और बस सभी महिलाओं के लिए शुभकामना है, आगे आएँ और अगली बार मैं जहाँ खड़ी हूँ वहाँ पर कोई और खड़ी हूँ, मैं ये चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे बुजुर्ग लोगों में आप इतनी यहाँ पर, कैसा महसूस किया आज कार्यक्रम में? विद्या ने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कार्यक्रम। हाँ, आज घर से बाहर निकले हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो पहली बार आए हैं ये कार्यक्रम देखने बेटा। जो आज ने इच्छा की हमने कि देखे तो जरा कैसा होता है कार्यक्रम, बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ। और सबका कार्यक्रम भी बहुत अच्छा रहा है। मैं वत्सला चौबे। मेरी गुरु जी हैं अपर्णा चतुर्वेदी जी, तो मैं जब 3 साल की थी मैं तब से कथक सीख रही हूँ, तो मुझे काफ़ी समय हो गया कथक करते हुए। और अगर कविता देखी जाए तो मेरी मम्मी, हमारा पूरा परिवार साहित्यकार है, तो मेरे पापा भी लिखते हैं, मेरी मम्मी भी लिखती है, नानी हमारी लोकगीत गाती हैं बहुत अच्छे, तो सबके साथ रह रह के मैंने भी थोड़ा बहुत सीखा है। तो मैं भी कविताएँ लिखती हूँ, कहानियाँ लिखती हूँ, कविता पाठ करती हूँ जी। मैंने कविता पाठ का अंदाज अपनी माँ से सीखा है, वो बहुत ही अच्छी कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छी कविता पाठ करती हैं, उनकी किताब भी प्रकाशित हो चुकी है सहसा कुछ नहीं होता। तो अभी मैंने जो भी सीखा है मैंने सब अपनी मम्मी से सीखा है जी। शोधन बढ़ते घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सरूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और बिखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को सबको सुमान कर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 राम रखो अपनी धरती तमाम।
हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर असीना उठाएंगे। प्रकाशन द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी जो महोदय प्रकाशन है इसको मैं नया तो नहीं मानूंगी, ये नया होके भी बहुत ही अनुभवी प्रकाशन है। और इससे क्या हो रहा है कि जो नए साहित्यकार हैं उनको मौका मिल रहा है, जो उनकी किताबें रखी हुई हैं धूल खा रही हैं उनको बड़े ही अपनक के भाव से भव्य प्रकाशन प्रकाशित करते हैं। और यहाँ पर सर एक बात ये कि ये पैसे की बात नहीं करते, इनका है कि जितना आपका हो आप उस ढंग से सहयोग करिए और मैं आपकी पुस्तक छापूंगा। तो इस तरह से भव्य प्रकाशन बहुत अच्छे से प्रकाशन करते हैं, कई बार उसको पढ़ते हैं, एडिट कराते हैं, फिर दोहराते हैं, तो जो प्रकाशक है वो उनसे संतुष्ट है, जो किताब छापते हैं वो प्रकाशक उनसे संतुष्ट है। मैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा वृक्ष मित्र सुनील दुबे। सर लाखों पेड़ कटवा दिया, ये संकल्प है मेरा। मैं 2008 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था और ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन के वक्त में जब डॉक्टर ने कहा कि यू आर नॉट सर्वाइव, तो मैंने कहा मैं मरने वाला नहीं। और उस वक्त उन्होंने कहा कि आपके ट्यूमर में 6 टाइम एक्स्ट्रा ब्लड चल रहा है और यदि हम इसको ओपन करेंगे तो सारा ब्लड निकल जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मैं समाज के लिए भी बहुत कुछ करने वाला हूँ, तो डेथ नहीं होगी मेरी। और मैंने वहाँ संकल्प लिया कि मैं पर्यावरण के लिए काम करूँगा, समाज सेवा के लिए काम करूँगा, बच्चियों को पढ़ाऊँगा। इस तरीके से जो है वो आने को संकल्प लेने के बाद में मैंने कहा मैं मेडिसिन प्लांट्स की वर्कशॉप लूँगा स्कूलों में, कॉलेजों में, कॉलोनियों में। ये कह के मैं अंदर गया हूँ ऑपरेशन के लिए। तो ये मेरा संकल्प है जिसको मैं जी रहा हूँ, संपूर्ण वेतन समाज सेवा के ऊपर और पौधारोपण के ऊपर खर्च करता हूँ अपना। कैसा महसूस करते हैं जब बहुत सुखद जब एक पेड़ में से पत्तियाँ निकलती हैं, एक पेड़ में से फूल निकलता है, तो उसे देख के ऐसा एहसास होता है कि स्वर्ग है हमारे यहाँ धरती पर ही और इस स्वर्ग में हम रह रहे हैं। हाँ जरूर, वृक्ष लगाएं, पौधे लगाएं, वृक्ष बनाएं, फलदार पौधे लगाएं, छायादार पौधे लगाएं और लोगों को समझाएं कि कौन से पौधे से कौन सी मेडिसिन मिलती है, कितनी मात्रा में लेना है, कितने दिन तक लेना है, इसकी जानकारियाँ जो मैं देता हूँ वे सब लोगों को दें। और डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाकर आप अपना इलाज स्वयं ही घर में कर सकते हैं, सर्दी जुकाम से लेके कैंसर तक का इलाज आपके घर के आसपास में ही। भाई अगर आपको खुशबू का शौक है तो खुशबूदार लगा लेंगे, पारिजात लगा लेंगे, मधुकामनी लगा लेंगे, चमेली लगा लेंगे, इस तरीके से लग जाएगा। छायादार लगाने हैं और आपके घर के आसपास में जगह ज़्यादा है, आप पीपल लगा लीजिए, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है वो। और घर में जगह नहीं है तो गमले में तुलसी लगा लीजिए, वो भी 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। आज सम्मान किया गया है आपका, कैसा महसूस कर? सुखद अनुभव है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ उनको नज़र आया कि मैं वास्तविकता में कार्य कर रहा हूँ, धरातल पर काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने जो सम्मानित किया है मैं आभारी हूँ उनका। महोदय अभी तक आपने कितने पेड़ लगाए? मैं 3,32,000 पौधे अभी तक लगवा चुका हूँ। और आज ही हिंदी भवन में हमने जो है महिला प्रकोष्ठ के द्वारा, उन्होंने कहा था कि पौधारोपण कराना है तो वहाँ पे जो है वो पौधे लगवाए हैं और चिनार पार्क में आज 42 पौधों का पौधारोपण किया हमने। देशवासियों के साथ किस प्रकार प्रेरित करेंगे कि वो अधिक अधिक पौधे लगाएं? हमारे साथ में स्लम एरिया के बच्चे जुड़े हुए हैं, जो झुग्गी बस्ती जिसको हम कहते हैं वहाँ के बच्चे जुड़े हुए हैं और 2000 बच्चों के साथ में मैं जो है वो अपनी क्रियाएं करता रहता हूँ। हर संडे को हम चिनार पार्क के सामने पौधारोपण करते हैं और वहाँ पर भीमनगर के बच्चे जो हैं आते हैं, हम उनके भीमनगर के योद्धा कहते हैं, जो आके वहाँ पर पौधारोपण करते हैं। और यदि कहीं कोई वृक्ष कट रहा होता है तो वो हल्ला मचाते हैं, उनकी कापियों के पीछे मेरे नंबर लिखे हुए हैं, वो फ़ोन करते हैं, हम तत्काल पहुँच जाते हैं 10 से 15 मिनट में और वृक्षों को कटने से बचाते हैं। यही नहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है वो विधानसभा के पास में जो वृक्ष कट रहे थे उन वृक्षों को काटने के लिए उनके काफिलों को रुकवा के और वहाँ पर जो है उन वृक्षों को बचाया है। आप अगर जाएंगे तो आप देखिएगा 3 कलर में, झंडे के कलर में सारे वृक्ष जो हैं वो लगे हुए हैं वहाँ पे जिनको नहीं काटा गया। इधर पे आकर सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इधर पे अभी मेरी पहली पुस्तक है उसका विमोचन भी हुआ। मिस्टर जो भव्य पब्लिकेशन के निदेशक हैं मिस्टर हेमराज सर जी, उनके आशीर्वाद से आज मेरी पहली पुस्तक का विमोचन हुआ। इधर पे मेरी फोटो भी देख सकते हैं आप। जी संजय जी, मेरी पुस्तक का नाम सफ़र कामयाबी है, ये मैंने मिस्टर रंजीत सर हैं उनके सहयोग से लिखी है।
बाकी भव्य पब्लिकेशन के निदेशक सर ने इसको करा है। मतलब संजय जी कैसे, मतलब कैसे आपको मुझे प्रेरणा मिली कि हमें पुस्तक लिखना चाहिए? जी सर देखिए, पुस्तक वगैरह पढ़ने का शौक बचपन से था। बाकी मेरे दोस्त थे, दोस्त मेरा हमेशा सपोर्ट करते रहते थे। एक हमारे डीजे सर करके, दिनेश जोशी सर करके नाम है उनका, उनने बहुत सहायता करी मेरी पुस्तक लिखने में। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि आज मैं अपनी पुस्तक लिख पा रहा हूँ। प्रेरणा कैसे मिली ये बताएं? तो सर मैं बचपन से ही मुझे शौक था इधर उधर देखने का पुस्तक वगैरह के बारे में। तो मैं देखता था, मतलब शैलेश लोढ़ा जी हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, उनकी बुक मैंने एक दो पढ़नी थी, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने सोचा मैं भी खुद की बुक भी लिख सकता हूँ, तो आज भगवान के आशीर्वाद से मेरा सपना साकार हुआ। इस किताब के अंदर बाल साहित्य है, तो सिंपल सी बात है, इसमें बच्चों के लिए कहानियाँ हैं जो प्रेरणादायक हैं, और प्रत्येक कहानी से कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। देख रहे पढ़ेंगे तो कहे कि हाँ हमारा भारत कितना विशाल है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, उस पुस्तक को पढ़ने से रहे कि आप वो पुस्तक पढ़ेंगे एक पत्रकार के नाम, वो पूरे आपके ज्ञान चक्षु खोल देगा कि हम कहाँ थे, कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो चाहूँगी इस पुस्तक को पढ़िए, फिर बता रही एक पत्रकार के नाम पर जो मुझे पूछता है। ये कौन सी कृति है आपकी? ये मेरी छठी कृति है। आगामी कृति? आगे दो पूरी कृति आ रही है, उसमें लघु कथा है और कहानी है। अब आती रहेंगे कि प्रकाशक कितना अच्छा मिला है, तो फिर मैं पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पाठकों को मेरा संदेश रहेगा, जो भी पाठक हैं, जो देखिए किताब तो क्या है, हम लोग छपवाते हैं, प्रकाशित करवाते हैं, इस किताबों को पढ़ें, वो लोग अपने ध्यान से पढ़ें और समीक्षा लिखें कि इसमें क्या कमी है, ताकि हम जो किताब छपवाते हैं कुछ कमी ना रह जाए। इसलिए मेरा संदेश पाठकों के लिए है कि वो किताब को पढ़ें और पढ़ के अपना बताएं कि किताब कैसी लिखी है। अभी तक आप कितनी बार पुरस्कृत हुई हैं? वो तो मेरी देखिए लिस्ट मेरी बहुत बड़ी है, मेरे 200 के आसपास हैं, कर्नाटक से, बंगलौर से, प्रतापगढ़ से, इलाहाबाद से, मथुरा से, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत पुरस्कार मिल चुके हैं। ये आप लोग का प्यार है। मैम किताब को लिखने में कितना वक्त लग गया? हाँ देखिए, हम लोग मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ, वक्त की बात तो मैं ये बोलूँगी सर, देखिए हम लोग जिसमें लेखक का शौक होता है ना बचपन से, वो लिखता है, लेकिन कब स्कूल के समय जाते थे, हमें समय नहीं मिला, तो अब जो हमारा पुराना था साहित्य था उसको हम लिखा, तो हाँ मान के चलिए जो मतलब लगन से लिखेंगे ना सर, तो उसमें मतलब मान की आपको 5 महीने तो लग जाते हैं एक पुस्तक को प्रकाशित करें, उसको बहुत ध्यान से प्रकाशित करें, कहीं गलती ना हो तो बहुत ध्यान से पाठक उसको समझे, इसलिए बहुत सोच समझ के लिखते हैं। अभी कितना प्यार मिला पाठकों का? मैं आपको कैसे बताऊँ आपको, देखिए यहाँ का आपने आयोजन देखिए, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, मतलब मेरी बाहों में समा भी नहीं पाएगा, मैं बहुत बहुत ही ऋणी हूँ पाठकों की जो मुझे बहुत प्यार देते हैं, किताब को पढ़ते हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत धन्यवाद आप जैसे चर्चा के लिए। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।